पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में मासिक दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व है। नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा का विधि विधान से पूजा करने के साथ ही भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत भी करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2024 में मार्गशीर्ष महीने की मासिक दुर्गा अष्टमी कब पड़ेगी, अष्टमी तिथि कब शुरू कब समाप्त हो रही है। साल 2024 में मार्गशीर्ष महीने की मासिक दुर्गा अष्टमी 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को है। मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी तिथि का प्रारंभ 8 दिसंबर को सुबह 9:44 पे हो रहा है और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 9 दिसंबर को सुबह 8:02 पर। मासिक दुर्गा अष्टमी का महत्व। मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत व पूजन करने से मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि मां आदिशक्ति अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। दुर्गा अष्टमी व्रत करने से घर में खुशहाली सुख समृद्धि और धन आता है। मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा विधि। मासिक दुर्गा अष्टमी करने वाले साधकों को सप्तमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। अगले दिन यानी अष्टमी तिथि को ब्रह्म बेला में उठकर घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर गंगा जल से पवित्र करे, उसके उपरांत गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करे, फिर लाल रंग का लवीन वस्त्र धारण कर आचमन करे और अपने आप को पवित्र करें। इस समय माता का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। अब पूजा गृह में एक चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापित कर सोर्स उपचार करें। माँ दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है, अतः पूजा में उन्हें लाल पुष्प और लाल फल अवश्य भेंट करें, साथ ही 16 श्रृंगार और लाल चुनरी भी चढ़ाएं। अब माँ दुर्गा की पूजा धूप दीप दीपक आदि से करें। पूजा करते समय दुर्गा चालीसा का पाठ करें और निम्न मंत्र का जाप करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंत में आरती आराधना करो। दिन भर उपवास रखे। साधक चाहे तो दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। शारीरिक शक्ति का दमन ना करे, यथाशक्ति तथा भक्ति के भाव से व्रत उपवास करें। शाम में आरती अर्चना के बाद फलाहार करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगले दिन नवमी तिथि को नियमित तरीके से पूजा पाठ कर व्रत को खोलें। मासिक दुर्गा अष्टमी में घर में सुख और समृद्धि के लिए माँ की ज्योति हमेशा आग्नेय कोण में ही जलाना चाहिए। पूजा करने वाले का मुख पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। पूजा के समय पूजा का सामान दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में तुलसी आंवला दूर्वा मदार और आग के पुष्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में कभी एक से अधिक माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बाध्य किया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा
जताते हुए कहा कि ठीक है, यदि मृत्यु में होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अंधकार से अंधा हो गया, इसके साथ ही बढ़ गया और उसका अन्याय मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपने सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर ने पैसे परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके स्वरूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मां को अपने अपने एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ऊंची हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है जिस दिन मां भगवती ने स्वर्गलोक पृथ्वीलोक और पाताललोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जय मां दुर्गा।